टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस to find the electric field due to these charges. तो इन दोनों charges की वजह से हम यहाँ पर एक electric field निकालने की कोशिश करते हैं. अब देखते हैं dipole होता क्या. मेरे पास electric dipole क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास condition जिसके अंदर एक तरफ मेरे पास negative charge होता है और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर positive charge होता है. तो एक तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस इज द नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया, मेरे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज. ये बन गया डाइपोल. हमारे पास डाइपोल की लेंथ किसके बराबर है, तो डाइपोल की लेंथ मेरे पास यहां पर आपके पास सेंटर आ गया ओ और डाइपोल की लेंथ किसके बराबर है, तो डाइपोल की टोटल लेंथ हमारे पास किसके बराबर आ जाती है. सो डाइपोल की टोटल लेंथ मेरे पास यहां पर 2L के बराबर आ जाती है. सो डाइपोल की टोटल लेंथ मेरे पास यहां पर 2L के बराबर आ गई. अब अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं तो मेरे पास यहां पर जो डाइपोल है, इस डाइपोल की ये वाली जो लेंथ है इसको हम एक्सियल पॉइंट की लेंथ बोलेंगे. नाउ दिस इज द एक्सियल, ये हमारे पास एक्सियल लाइन बन जाती है. ये हमारे पास यहां पर कौन सी लाइन बन जाती है, आपके पास एक्सियल लाइन बन जाती है. और मेरे पास ये वाली जो लाइन आपके पास बनती है जो डाइपोल को दो इक्वल हिस्सों में काटती है, दिस बिकम्स द इक्वेटोरियल लाइन. ये मेरे पास बन जाती है इक्वेटोरियल लाइन. तो किसी भी डाइपोल से मेरे पास दो लाइंस गुजरती हैं, एक जो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग होती है उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, और एक ऐसी लाइन जो कि हमारे पास डाइपोल को दो इक्वल हिस्सों में काटते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट. या फिर मेरे पास एक और तरीका भी है, मेरे पास यहां पर अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट आपके पास ये आ गया, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो जो एक्सियल लाइन होती है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होती है, वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग हो जाती है. और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल के ऊपर होती है, 90 डिग्री. तो मेरे पास यहां पर एक डाइपोल से रिलेटेड दो पॉइंट्स बनेंगे, एक एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट. समझो जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ये पेन एक डाइपोल है, तो डाइपोल अगर ये मेरे पास पेन है तो ये वाली लाइन जो इस पेन में से गुजरती है ये एक्सियल लाइन होगी, और वो लाइन जो कि इस पेन को दो इक्वल हिस्सों में काटे, बिल्कुल बराबर दो इक्वल हिस्सों में काटे, उसको हम कौन सी लाइन बोल देते हैं, इक्वेटोरियल. तो मेरे पास यहां पर दो लाइंस बनती हैं, एक इक्वेटोरियल लाइन और दूसरी एक्सियल लाइन, और मैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा. मैं अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैं जरा चेक करता हूं. सबसे पहले द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द आपके पास एक्सियल पॉइंट, ऑन द आपके पास यहां पर क्या आ जाती है, एक्सियल पॉइंट, ऑन द एक्सियल पॉइंट. यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल से, और ये बच्चा हमारे पास कहां पर आ रही है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, और मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. देखिए कैसे निकलेगी, चेक करते हैं. तो मेरे पास यहां पर एक डाइपोल है, इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहां पर है और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं पर है, बन गया डाइपोल. इस डाइपोल की टोटल लेंथ मेरे पास 2L के बराबर है. इस डाइपोल की टोटल लेंथ, ये सेंटर आ गया O, और डाइपोल की टोटल लेंथ किसके बराबर है, मेरे पास यहां पर 2L के बराबर है. तो डाइपोल की टोटल लेंथ
मेरे पास यहां पर 2L के बराबर है. नाउ दिस इज 2L, ये मेरे पास माइनस क्यू का चार्ज है और ये मेरे पास प्लस क्यू का चार्ज है. ध्यान से समझ, और मैं इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं. इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम यहां पर नाम दे देते हैं सी का. चार्ज नेगेटिव वाला ए का, पॉजिटिव वाला बी का, और ये पॉइंट हमारे पास किसका है बच्चे, सी का. मेरी बात को समझ पा रहे? नाउ दिस इज द एक्सियल पॉइंट. एक और चीज मैं बता देता हूं बेटा, ध्यान से समझना, और वो ये है एक्सियल पॉइंट का मेरे पास एक और नाम है, विच इज नोन एज टू बी द एंड ऑन पोजिशन. इसका एक और नाम है एंड ऑन पोजिशन, क्योंकि ये डाइपोल के एंड पॉइंट पर मिलता है, क्योंकि ये डाइपोल के एंड पॉइंट पर मिलता है. एक और चीज देखते हैं बच्चे हम यहाँ पर, और वो ये इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कहां से कहां पर होगा, स्थिति कहां से कहां पर होगा पता बच्चे, ऑशिन नेगेटिव से पॉजिटिव. तो ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होगा. अब ये जो मेरे पास सी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल से, ध्यान से समझना मेगा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ डाइपोल से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ओ से आपके पास स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है. अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन है भाई, यहां पर हमारे पास गौरव बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन किस बात की है गौरव हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा हमको ये नहीं पता होता कि अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. अब अगर मेरे पास इस डाइपोल के सेंटर से सी तक का डिस्टेंस आर है, तो बताओ बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? आर माइनस एल. बिल्कुल, यहां पर आर माइनस ऑफ एल, क्योंकि आपके पास यहां पर ओ सी कैपिटल आर है, ओ बी स्मॉल एल है, तो बी सी कितना हो गया, आर माइनस एल. इसी तरीके से बताओ मेरे पास ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, जल्दी बोलो, मेरे पास ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, जल्दी बोलो काके. तो ये आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. रीजन पता है क्या, मैक्सिमम बच्चे झगड़ा करते हैं मुझसे, झगड़ा नॉट दी इन वेरी बैड सेंस, झगड़ा पॉजिटिव सेंस के अंदर, कि सर ये आर प्लस एल कैसे आएगा, और बहुत झगड़ा होता है मेरा उनके साथ, और बच्चा बोलता है नहीं सर हम सही कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मान जाते हैं, वो जल्दी नहीं मानते हैं, मान जाते हैं, कुछ दोबारा कहने पे मान जाते हैं, और कुछ जो है थोड़ी सी बहस करने के बाद बोलते नहीं सर ये आर प्लस ऑफ एल ही आएगा. तो अगर ये बात स्तुति और नितिका, आप मेगा, अगर ये हम पहली बार में समझ रहे हैं मुस्कान, और हमारे पास ये पहली बार में मुझे पता लग रही है हृदयेश्वरी परनीत, तो यार ये तो मैं तो काफी चीजें अच्छे से कर पाऊंगा. ठीक है, क्लियर है? अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है डिस्टेंस को लेके तो मुझसे कह सकते. जी बोलो, है कोई डाउट, है कोई डाउट किसी किस्म का, बोलो. जी परनीत, बोल बोल बच्चे. बस एल में ही डाउट है सर. किसमें बच्चे? ये आर प्लस एल जो सोच के. हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मैंने तेरे को बोला कोई बात, घबराना नहीं, ये प्रॉब्लम रहती है तभी मैंने पूछा ना बेटा, क्योंकि आप पूछोगे तो आगे बढ़ेंगे. अच्छा ये बात बता करके, आपके पास मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है, एसी का, हाँ या ना? एसी निकालना है ना बच्चे मुझे, यस और नो, पहले यस और नो बोलती जा. एसी निकालना है काके मुझे, यस और नो, यस बच्चे और नो, yes. अच्छा अब देख, मैं एसी को ऐसे लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ऑफ ओ सी लिख सकता हूँ, पहले देखती जा डायग्राम के. क्या मैं एसी को ओ ए प्लस ऑफ ओ सी लिख सकता हूँ, तो पहले देख के बता दे, यानी कि क्या मैं ए से लेके जो सी तक का डिस्टेंस है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले मैं ए से ओ तक चला गया और फिर बच्चे मैं ओ से लेके सी तक चला गया, लिख सकता हूँ यस और नो ऐसे, यस और नो, बांट सकता हूँ. परनीत मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस. अच्छा so, लिख सकते हैं. हाँ बोल बोल बच्चे. समझ गया बच्चे, क्लियर है? आप थम्स अप का निशान कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है? वो क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी सी लैग कर रही है, कोई बात नहीं,
sometimes network थोड़ा सा रोल प्ले करता है, मतलब कि आप थम्स अप इमोजी आप कर दीजिए कि सर समझ में आ गया, क्लियर है? मैं चलूं आगे लड़की, नहीं तो हम देख लेते हैं। ओ ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस मेरे पास है एल, और ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस है आर, इस वजह से ए सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस है। ठीक है, क्लियर है बच्चे हमारे पास ये वाली चीज, यस और नो? यस क्लियर है सर। चलो अब मेरे पास मुझे क्या करना बच्चे, सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी और नेगेटिव की वजह से भी होगी। तो अब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट सी, ऑन द एक्सियल पॉइंट सी। अगर मैं एक्सियल पॉइंट सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे आपके पास एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकालने की बच्चे हम यहां पर कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट। सबसे पहले बच्चा हमारे पास आ जाएगा ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव कर लेते हैं, ड्यू टू दी प्लस क्यू चार्ज एट बी, ड्यू टू दी प्लस क्यू चार्ज एट कैपिटल बी। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज प्लस ऑफ क्यू बी पे रख देता हूं, इसकी वजह से सी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से सी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मुझे चेक करना। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आंसर है यह हमारे पास अभी हो जाती है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट बी, ड्यू टू द चार्ज एट बी, यह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, और यह हमारे पास किसके बराबर आ गया, क्यू डिवाइडेड बाई, नीचे बता दो क्या आ जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये मेरे पास तूती पहली चीज आ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और अवे क्यों होगी, नितिका परनीत मुस्कान स्तुति हृदयश्वरी, बताओ बच्चे, मेघा यहाँ पर, सिमरत औशीन गौरव, बताओ बच्चा हमारे पास ये दूसरी तरफ को क्यों होगी, इसकी वजह बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एट ए, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एट ए, तो जो नेगेटिव चार्ज है ए पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए किसके बराबर हो जाएगी, जरा बताओ। तो मेरे पास यहाँ पर ई ए की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ, सो क्यू डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन, अब इसके नीचे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ को होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास कहाँ की तरफ को होगी, बता सकते हो? तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ड्यू टू आपके पास क्या आ जाएगी, ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज एट ए, ड्यू टू द चार्ज एट ए। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने के बराबर है, जल्दी बता दो, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगी या सबट्रैक्ट होंगी, सबट्रैक्ट होंगी, लेकिन बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट होगा। अब आप एक बात बताओ, ई बी बड़ा या ई ए बड़ा, तो आंसर है ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अब मेरे पास ई बी इज ग्रेटर देन आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा ई बी। तो मेरे पास यहां पर ई बी इज ग्रेटर देन आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा ई ए। ये बच्चा हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, क्योंकि एक बात समझो, EB का डिनोमिनेटर जो है बच्चे वो छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, और हमारे पास
ई ए का नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी हो जाएगी, और वैसे भी नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बहुत दूर है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पॉइंट के बिल्कुल क्लोज है तो इसका मतलब है कि इसकी फील्ड बड़ी हो जाएगी। ई बी इज ग्रेटर देन आपके पास क्या हो जाएगा ई, सो वी कैन राइट डाउन देयर फोर इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, यह हमारे पास कैसे आ जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा ई बी माइनस ऑफ ई ए, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा ई बी माइनस ऑफ ई ए, अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर पहले वाले के अंदर क्या आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर प्लस ऑफ एल का होल स्क्वायर। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अगर हम यहां से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा क्यू अपॉन बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा तो मेरे पास अंदर रह जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस ऑफ एल का मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम यहां पर देखें बच्चे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एप्सिलॉन, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा तो मेरे पास आ गया आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि मेरे पास नीचे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर का, इस वजह से अब बताओ कि ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वेयर माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वेयर, तो R प्लस ऑफ L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस L का आपके पास होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं तो आपके पास क्या चीज आ जाती है वी हैव Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर अगर हम ओपन अप करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर और माइनस ऑफ एल स्क्वायर और ये प्लस ऑफ 2r, ये हम ओपन अप कर देंगे। जब आप सेकंड ब्रैकेट को ओपन करोगे तो नेगेटिव साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में बताओ मेरे पास क्या चीज आ जाएगी मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा एक दो तीन और चार, तो मेरे पास 2RL प्लस ऑफ 2RL बताओ ये क्या चीज बन जाएगी, तो 2RL और 2RL ये मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा बताओ शाबाश 4RL, ये मेरे पास 4RL एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर अब हम क्या करते हैं ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा मैं यहां पर q मल्टीप्लाइड बाय 2l कर देता और 2r को मैं पीछे ले जाता हूं और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान से समझते जाना। तो चार्ज इनटू 2l, चार्ज इनटू 2l क्या होता है डाइपोल मोमेंट और 2 का फैक्टर आगे r यहां पर और नीचे की तरफ मेरे पास क्या आ गया बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी किसके बच्चे एक्सियल, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट। ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको स्कूल के अंदर 3 मार्क्स के अंदर पूछी जाएगी। नेक्स्ट वन, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर वेक्टर यानी कि आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट बी की वजह से हो। हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़े वेक्टर यानी कि ई बी की डायरेक्शन के अंदर ही हो। फिर से समझो, जो मेरे पास यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बड़े वेक्टर ई बी की डायरेक्शन में हमारे पास होगी। और इससे एक और चीज पता लग रही है, आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, इन दोनों के डायरेक्शन हमारे पास क्या सेम। ये भी बात ध्यान रखना बच्चे, इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि मेरे पास डाइपोल मोमेंट पी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। आपके पास यहां पर डाइपोल मोमेंट पी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द एक्सियल पॉइंट। द डाइपोल मोमेंट पी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द एक्सियल पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर डाइपोल मोमेंट अपवर्ड है तो एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड होगी। ये बात दिमाग में रखो, लेकिन ये होगी कहां पर? एक्सियल फील्ड के केस। और इस वजह से मैं यहां पर अगर वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म देखो कैसे आ जाएगी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, इसका वेक्टर फॉर्म किसके बराबर आ जाएगा? वी हैव 2 इनटू पी इनटू आर। अब यहां पर नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द एक्सियल पॉइंट दिस इज 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। हम जब इसके वेक्टर फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो जो आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड ई की भी डायरेक्शन। और यहां पर अब स्पेशल केस आ जाता है शॉर्ट डाइपोल का, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे शॉर्ट डाइपोल के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल के ही पूछे जाएंगे। जरा चेक करते हैं शॉर्ट डाइपोल है क्या बोला बच्चे। व्हेन दी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है, व्हेन दी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आपके पास स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल। व्हेन द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर इज मच मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पर 2 पी आर अपॉन मेरे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और यहां पर क्योंकि मेरे पास आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, मेरे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन एल, आर की वैल्यू ग्रेटर देन एल, आर की वैल्यू ग्रेटर देन एल है, तो हमारे पास हम एल स्क्वेयर को इग्नोर कर देंगे। हम यहां पर एल स्क्वेयर को इग्नोर कर देंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर, इसका 2 और इसका 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4। मेरे पास यहां पर 4 आ जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर की पावर 4। और अगर ऊपर आर और एक नीचे आर कैंसल हो जाएगा तो शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर ये फाइनल एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट इट इज इक्वल टू 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट। जी सिमरत बोल बच्चे। सर ये शॉर्ट डाइपोल से रिपीट कर दो। बोल बोल बच्चे क्या चीज, क्या पूछना बच्चे इसमें से?
सर मैं ये सुन नहीं पाई, वो नेटवर्क चला गया था। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, हमारे पास शॉर्ट डाइपोल एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस स्मॉल आर इतनी दूर हो जाता है कि आपके लिए डाइपोल की लेंथ इग्नोरेबल हो जाती है, कि डाइपोल की लेंथ किसी काम की नहीं रहती। इस वजह से ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस फॉर्मूले में से हम क्या कर देते हैं बच्चे, मेरे पास 2πr अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन l, तो मैं यहां पर जो छोटी टर्म है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो जो मेरे पास यहां पर छोटी टर्म है मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, बच क्या जाएगा बच्चे r स्क्वायर, और बाहर भी 2 है तो ये 2 और ये 2 तो r की पावर 4, ये कैंसिल होकर 3, तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट किसके बराबर आ जाएगी, जल्दी बता बच्चे किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज अ 2p अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, सो 2p डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे r क्यूब आपके पास। क्लियर है बच्चे वाली चीज? यस सर। ठीक है, पक्का श्योर है बच्चे? यस सर। किसी और बच्चे का कोई डाउट बेटा, किसी और बच्चे का कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर अभी आपने ना ऊपर बोला था कि जो सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी के ज्यादा होने कारण है, जो बी पे, वो एक बार रिपीट करोगे पॉइंट? देख एक बड़ी सिंपल सी बात है काके, बड़ी सिंपल सी बात है काके, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना और तेरे को तेरे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, तो मुझे जवाब देना तुझे भी जवाब मिल जाएगा। एक चीज देख, तेरे को स्क्रीन पे EB और EA दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नजर आ रही है बच्चे, पहले तो ये बात बता। अब EB की वैल्यू क्या है? क्यू। EA में भी क्यू है, नीचे 4π एप्सिलॉन नॉट, ये भी 4π एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है r माइनस l का स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में r प्लस l का स्क्वायर। अब जरा सोच के बता डिनोमिनेटर किसका बड़ा हुआ, EA का कि EB का? बच्चे हमारे पास बोलो शाबाश। सर डिनोमिनेटर हमारे पास EA का बड़ा है। और डिनोमिनेटर बड़ा होने से नंबर बढ़ने लगता है कि कम होने लगता है? कम होने लगता है। अगर तो इसका तो फिर तेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसी वजह से तो बच्चा हमारे पास EA की वैल्यू छोटी है और EB की बड़ी है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा, बाकी सारी टर्म्स तो सेम है, Q 4π एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट, r माइनस l का स्क्वायर, r प्लस l का स्क्वायर, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो EA की वैल्यू छोटी हो जाएगी, EB की बड़ी हो जाएगी, और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को लड़की क्या कर रही है, अपोज कर रही है ना, EA और EB, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे बता शाबाश, अपोज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लगी बात पता लड़की? यस सर। थैंक यू। तो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए ये भी चीज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट देखिए क्या, तो मैंने यहाँ पर ये समझा कि एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के ऊपर क्या होती है, तो 2πr अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट एंड वी हैव r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मेरे पास 2πr डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गई। एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल बताओ बच्चे क्या आ जाएगी, एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल जल्दी बताओ, मेरे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए पहली बात r शुड बी मच मच ग्रेटर देन l, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर क्या हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2p अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू r का क्यूब, सो 2p डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू r का क्यूब, सो 2p आपके पास यहां पर 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास r का क्यूब आ जाएगा। अब चलते हम आगे की तरफ और चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो मेरे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, डबलिंग डबलिंग
द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डबलिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, डबलिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर द शॉर्ट डाइपोल, फॉर द शॉर्ट डाइपोल, फॉर द शॉर्ट डाइपोल डिक्रीजेस द, डिक्रीजेस द, ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज कर देती है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल बाय, आपके पास कितने टाइम से बच्चे या हमारे पास कम कर देते हैं। अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, जो डिस्टेंस मेरे पास आर है इसको अगर मैं टू आर कर देता हूं, तो ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जरा चेक करके देखते। तो मेरे पास क्या आ गया, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, अगर मेरे पास यहां पर शॉर्ट डाइपोल, फॉर द केस ऑफ द शॉर्ट डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू, दिस इज अ 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ऑन डबलिंग द डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, ऑन डबलिंग द डिस्टेंस, अगर मैं यहां पर डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, ऑन डबलिंग द डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ये भी चेंज हो जाएगी, तो बताओ ये कितने के बराबर आ जाएगी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का क्यूब, यानी कि मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो देखो क्या फर्क पड़ गया, ये बताए कोई बच्चा, तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 का क्यूब इनटू r क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है जल्दी बता दो बच्चे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का क्यूब, तो हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 1/8 टाइम्स आ गया बच्चे हमारे पास ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/8 टाइम्स आ चुकी है बच्चे, किससे, ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। जी किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हुआ हो बच्चे, बोलो शाबाश, है किसी बच्चे को कोई डाउट, नितिका, मेघा, हृदयेश्वरी, औशीन, मुस्कान, क्लियर है सर, क्लियर है, पक्का श्योर है जी सर दूसरे वाला क्लियर नहीं होना चाहिए सर, सब क्लियर है, अब हमको सर सब क्लियर हो गया कि कुछ क्लियर नहीं है, हाँ जी ठीक है, मतलब कि सही वाला क्लियर है ना बच्चे, हाँ या ना, यस सर सही वाला क्लियर है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है बताते रहना बच्चे, ठीक है। देखो इतनी चीज तो चलो यहाँ पर भगवान की दया से लड़के भी हैं, लेकिन देखो लड़के भी सुन ले इस बात को, लड़कियां थोड़ी ज्यादा सिंसियर होती हैं, लड़के भी होते हैं, ऐसी मना नहीं करता हूं मैं, लड़के नहीं होते हैं, मुदित को और गौरव को गुस्सा आ जाएगा, तो लड़कियां सिंसियर होती हैं, हाँ सिंसियरिटी के अंदर बच्चा हमारे पास सिर्फ एक चीज में वो थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं, थोड़ी सी वो शाई करती हैं, और मेरे को लगता है कि बच्चा नेचुरल है, ये एक नेचुरल बच्चा हमारे पास टेंडेंसी होती है, लड़की थोड़ी शाई नेचर की होती है, लेकिन ये बात है बच्चा आप सिंसियर भी तो हो, अगर आप सिंसियर हैं तो बेटा आपको अपनी बात आगे रखनी है, वो सामने वाले की समझदारी है बच्चे, आपने क्वेश्चन पूछना, अब ये मेरी समझदारी है कि मैं इस क्वेश्चन को उठा के फेंक दूं या इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूं, वो मेरी समझदारी, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछना है, सामने वाला बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये तो उसकी जिम्मेदारी हुई ना, कि वो बोल रहे हैं अरे क्वेश्चन बकवास है, तो भैया ठीक है उसकी मर्जी है बच्चे, उसको कभी नहीं लेना, तो लड़कियां पढ़ाई में सिंसियर होती हैं, इस वजह से बच्चे आपको अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ना बच्चे, एक भी मतलब कि स्कूल में एक भी नंबर कटना, मतलब कि एक भी नंबर अगर कट जाए तो मतलब कि करना कि भाई क्यों ऐसा क्या हो गया, इसमें क्या ऐसा लिखना था, तो वो आप मुझसे भी पूछिए, अपने स्कूल के टीचर से पूछिए, और इज्जत से भी टीचर की करिए, चाहे वो स्कूल का, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि स्कूल के टीचर की भी इज्जत करो और उनसे नंबर लेने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चे, इफ द डाइपोल
इफ द डाइपोल ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, इफ द डाइपोल ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, अगर मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट लेंथ का डाइपोल हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा हमारे पास कैपिटल ई, एट द डिस्टेंस, एट द डिस्टेंस, एट द डिस्टेंस आर, एट द डिस्टेंस आर, हमारे पास इफ द डाइपोल ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड ए एट द डिस्टेंस आर, यह हमें पता लग गया बच्चे। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल बिकम्स, ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, इट बिकम्स ए डिवाइडेड बाय 216 एट सर्टेन डिस्टेंस, एट दिस सर्टेन डिस्टेंस, किसे सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की है वो ए डिवाइडेड बाय 216 टाइम्स हो जाती है बच्चे। कैलकुलेट द न्यू डिस्टेंस, कैलकुलेट द न्यू डिस्टेंस, चलिए इसको जरा ट्राई करके देखो, अगर आपके पास कॉपी है या दो मिनट ट्राई करके देखिए बच्चे, फिर मैं इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचाता हूं आपको। कॉपी पे ट्राई करके देखिए, ऐसा डिस्टेंस क्या होगा जहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल का 216 टाइम्स हो जाए बच्चे। शाबाश, बोलो बच्चे। जिस बच्चे का आंसर है बता देना बेटा मुझे। आगे आंसर बच्चे किसी का, सर अगर 6 टाइम्स हो जाएगी तब? बिल्कुल, आपका जो डिस्टेंस है वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही मेगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा था, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शॉर्ट डाइपोल के, इट इज 2p अपॉन 4 pi epsilon naught into r का क्यूब, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड e डिवाइडेड बाय 216 टाइम हो रही है किसी नए डिस्टेंस पे, 2p अपॉन 4 pi epsilon naught r डैश का होल क्यूब। अब हम e की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 216 एंड 2p अपॉन 4 pi epsilon naught into r cube, and this is a 2p upon 4 pi epsilon naught into r dash ka whole cube. To mere paas ye 2p 4 pi epsilon naught ye cancel ho jayega, to mere paas r dash ka cube is a 216 into r cube. To agar cube root le lenge to r dash kya ho jayega, 6 times of r. Bilkul sahi cheez, bilkul sahi jawab. तो मेरे पास यहां पर r डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दिस विल बिकम नाउ 6 टाइम्स द आपके पास ओरिजिनल डिस्टेंस। अगर आप ओरिजिनल डिस्टेंस से 6 टाइम्स ज्यादा आगे की तरफ को जाते हो तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगी बच्चे, नेट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। जी किसी बच्चे का डाउट रह गया हो बच्चे इसमें से, ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, स्तुति, क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मेरे पास यहाँ पर एक और बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते, अब मेरे पास आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, on the equatorial point. So electric field due to the dipole on the equatorial point, और इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते, we have the broadside on position, इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, broadside on position, broadside, इसका नाम रख दिया किसी,
इस डाइपोल के केस में बच्चे हम क्या करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, और वो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास 2L के बराबर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2L के बराबर है और सेंटर आ गया O के बराबर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया बच्चे, आपके पास 2L के बराबर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L और इसका सेंटर आ गया O। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये अब मेरे पास C पॉइंट आ गया और ये हमारे पास कितनी दूर डिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास आ गया स्मॉल r, ये स्मॉल r। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली लेंथ आपके पास किसके बराबर है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये वाली लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, और मेरे पास अब ये नेगेटिव चार्ज C पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे है और ये हमारे पास यहाँ पर जो आपका डाइपोल है, जैसे ये मेरे पास A और ये मेरे पास आ गया B, तो मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास A पे चार्ज है वो C से, अब बताओ कितनी दूर है, बताओ ये C से कितनी दूर है, शाबाश बताओ कितनी दूर है बच्चे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस ऑफ आर स्क्वेयर, और मेरे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास सी से कितनी दूर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस ऑफ आर का स्क्वेयर, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरे पास ए वाला चार्ज सी से अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डिस्टेंस पे और सी वाला चार्ज भी बी से कितनी दूर है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस ऑफ आर स्क्वेयर के डिस्टेंस पे, इन दोनों चार्जेस की वजह से अब C पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये मेरे पास एंगल थीटा और ये भी मेरे पास एंगल थीटा, तो मेरे पास ये दोनों एंगल थीटा और आपके पास थीटा आ गए, अब बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी फील्ड होगी, तो आपके इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बताओ, ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम दे देते हैं, शाबाश बता दो, हम बोल देते हैं ये E1, नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बी। अब मेरे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट बन जाएगी, बताओ कौन कौन से, एक ये वाला कॉम्पोनेंट बच्चे हमारे पास और एक मेरे पास ऊपर वाला कॉम्पोनेंट। अब इसके लिए मुझे वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट बनाने आने चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर ये ए बी आ गया और आपके पास अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझ फोकस करना बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अब ये एंगल मेरे पास आपके लिए थीटा हो जाएगा, ये एंगल मेरे पास थीटा हो जाएगा, नहीं यकीन तो हम इसको एक्सटेंड करके देख लेते, ये देखिए अगर मैं यहां से लाइन को खींचता हूं तो मेरे पास यहां पर ये एंगल आपके पास क्या बन जाएगा, थीटा, पता लग रहा है ये एंगल थीटा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये एंगल मेरे पास थीटा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से, ये जेड है ना बच्चे, ये एंगल और ये एंगल हमेशा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, इस वजह से मेरे पास ये दोनों एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास इस वजह से ये वाला एंगल मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे, आपके पास थीटा बन जाएगा। अब बताओ इसके कितने कॉम्पोनेंट्स बन जाएंगे, तो मैं बोलूंगा दो कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, ई बी कॉस ऑफ थीटा, ये कॉम्पोनेंट मेरे पास क्या आएगा जल्दी बता दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ई बी साइन ऑफ थीटा, तो मेरे पास यहाँ पर आपके बी वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, एक ई बी कॉस थीटा और दूसरा ई बी साइन थीटा, EB cos theta और दूसरा EB sin of theta। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बताओ कितने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बन जाएगी, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, शाबाश बताओ, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन जाएगी, आपको शायद नजर आ रही है या नहीं आ रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन जाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम दे देंगे, शाबाश बता दो, EA का, ये एंगल थीटा, तो मेरे पास यहां पर ये भी एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा,
तो मेरे पास यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो दूसरा एंगल आपके पास ये वाला भी थीटा। अब बताओ ई ए के मेरे पास कितने कॉम्पोनेंट बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर दो, कौन कौन सा, एक नीचे बन जाएगा एक आपके पास आगे बन जाएगा। आपके पास ये वाला कॉम्पोनेंट किसके बराबर है, शाबाश बता दो, ये वाला कॉम्पोनेंट आपके पास किसके बराबर है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, और जो नीचे वाला कॉम्पोनेंट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ए साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर ई बी साइन थीटा ऊपर है और ई ए साइन थीटा नीचे, तो बताओ अब क्या होगा, ये साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट एक दूसरे को पेयर में क्या कर देंगे, बोलो शाबाश, एक दूसरे को पेयर में क्या कर देंगे, कैंसिल, और ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा ये दोनों के दोनों ऐड होकर यहाँ पर नेट रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के एडिशन से मेरे पास यहाँ पर नेट रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल। आपके इक्वेटोरियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके जो इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले डाइपोल मोमेंट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है। अगर आप ध्यान से नीचे की तरफ को देखें तो आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां पर थी, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, ये डाइपोल मोमेंट था, ये हमारे पास इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डाइपोल मोमेंट को अपोज कर रही है। और एक्सियल के केस में क्या था बताओ, एक्सियल के केस में क्या था जरा बताओ, एक्सियल के केस में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्सियल के केस के अंदर जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट थी उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। देखो हमारा डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट है, एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट है। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ को चले और इक्वेटोरियल का केस देखें तो डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट है और इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट की तरफ। अब मेरे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी जरा चेक कर लेते हैं। So the electric field at the point C. हमारे पास जो पॉइंट सी है इसके ऊपर हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर सी है इसके ऊपर बच्चा हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जरा चेक कर लेते। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट दिस इज गिवन बाय ई ए कॉस ऑफ थीटा एंड प्लस ऑफ मेरे पास ई बी कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डालनी है बच्चे, वैल्यू डालनी है। जरा मैं वैल्यू डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 q/. अब जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा इनटू कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, तो q डिवाइडेड बाय आपके पास 4πε0 इनटू आर क्यूब, और सॉरी आई एम सॉरी नॉट आर क्यूब, आपके पास एल स्क्वेयर प्लस ऑफ आर स्क्वेयर के अंडर रूट का होल स्क्वेयर, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा स्क्वेयर करने से और क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। मेरे पास ये दो आइडेंटिकल टर्म्स आई हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी सो 2q इनटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4πε0 l² + r² सो 2q cos of theta / 4πε0 l² + r² l² + r² अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल देखता हूँ और उस ट्रायंगल में आप cos थीटा को ढूंढिए, इन दी ट्रायंगल AOC, दिखाई दी ट्रायंगल आपको, ये वाला नजर आई बच्चे वाले ट्रायंगल आपको, ए आपके पास ओ और ये सी, इस ट्रायंगल एओसी के अंदर, ट्रायंगल एओसी के अंदर बताओ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है,
कोई बच्चा बता सकता है? तो कॉस थीटा बेस होता है, बेस आ गया एल, और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ आर प्लस टू। तो मेरे पास अब जो कॉस थीटा है इसके वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, तो जल्दी बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के किसके बराबर आ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट, ये मेरे पास आ जाएगा 2q into l, ऊपर l आ जाएगा 4 pi epsilon naught and l square plus of r square, और यहां पर under root of आपके पास क्या आ जाएगा l square plus of r square, तो under root of मेरे पास क्या आ जाएगा l square plus of r square। तो हमारे पास l square plus r square की पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के किसके बराबर आ जाएगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हमारे पास ऊपर आ गया डाइपोल मोमेंट पी, और नीचे मेरे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, पी मेरे पास डाइपोल मोमेंट है, और डिनोमिनेटर मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझो, मेरे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर ये कैसे लिखा जाए। वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, दिस इज नेगेटिव ऑफ माइनस पी, आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, रीजन क्योंकि हमारी डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट को अपोज कर रही है, हमारी डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, इस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है डाइपोल मोमेंट के, तो नेगेटिव साइन आ गया। एंड फॉर द शॉर्ट डाइपोल, और अगर मेरे पास यहां पर शॉर्ट डाइपोल है, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन मेरे पास एल है, तो यहां पर मैं एल स्क्वायर को इग्नोर कर दूंगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट, यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आर बहुत बड़ा है तो आपके पास नीचे आर का क्यूब रह जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा, आर स्क्वायर बच गया, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो ये मेरे पास आ गया आर। एक और चीज, शॉर्ट डाइपोल के अंदर इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड है पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक और बात बताओ, अगर एक्सियल पॉइंट की मैं यहां पर शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड देखू, शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं एक्सियल की देखू, तो ये किसके बराबर है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और मेरे पास यहां पर इक्वेटोरियल के केस में आपके पास क्या है, बताओ पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो बताओ किस चीज का फर्क लगा आपको, बता सकते हो आप मुझे ये बिल्कुल। फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, अगर मेरे पास शॉर्ट डाइपोल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट When multiplied by 2, it becomes the electric field of the short dipole on which point, bachcha hamare paas? On the axial point. To ye hamare paas ye final result hai. Theek? Lekin direction aapke paas reverse ho. Chaliye. Abhi agar kisi bachche ka koi doubt hai, to wo doubt bachcha mujhse pooch sakta hai. Shabash. Hai kisi bachche ka koi doubt? है किसी बच्चे का कोई डाउट? चलो सो इसको हम यहां पर फिनिश करते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, अपना ध्यान रखना बच्चे।